हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर और ये आप जो देख रहे हैं ये है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का कल हो चुका है 27 फेब को। तो ये रहा उसका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का ये कोड है 2/2/3 और सेट नंबर है ये 3। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मैं आपको दिखा दूँ कि बहुत ही ईजी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कल आया है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है कॉम्प्रीहेंशन है वो है ऑर्गेनिक फूड के ऊपर और इसके क्वेश्चंस मैंने पढ़े। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं, इजीली इसके आंसर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ भी बहुत इजी आया है, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं सेक्शन बी पे, जहाँ पे है ग्रामर 10 मार्क्स की और उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग। तो ग्रामर के आंसर्स मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आप भी साथ साथ में देख लें। अगर आपका भी ये सेट है तो देख सकते हैं आपके आंसर्स राइट हैं या नहीं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट इवन डैश हेल्प गिवन टू मी। तो इसका आंसर है द लिटिल। आई अप्रिशिएट इवन द लिटिल हेल्प गिवन टू मी। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द मीरा एंड हर फादर, कंप्लीट द सेंटेंस। तो मीरा, व्हाट डिड यू बाय? फादर, आई बॉट अ हीटर। मीरा आस्क्ड फादर व्हाट ही हैड बॉट, द फादर रिप्लाइड दैट। तो इसका आंसर होगा ही हैड बॉट अ हीटर। थर्ड क्वेश्चन है वन डैश रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। तो इसका आंसर होगा शुड। वन शुड रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 4 एरर करेक्शन पे है, तो आपको सेंटेंस गिवन है आई कांट नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड बेला। तो 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको इसमें से एक का राइट आंसर बताना है। तो कांट और नेवर कभी भी साथ साथ नहीं लगते, तो इसका आंसर होगा कैन। तो इसका आंसर क्या आएगा? आई कैन नेवर फॉरगेट। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, द डोमेस्टिक कैट रिलेटेड टू द लायन एंड द टाइगर। तो इसका आंसर है इज। द डोमेस्टिक कैट इज, क्योंकि स्टिल ये अभी तक हम इसको रिलेट करते आ रहे हैं, तो ना तो हैज़ बीन होगा ना इज बीन होगा, इसका आंसर आएगा इज। नेक्स्ट है लास्ट वीक इट डैश हैवीली। अब लास्ट वीक पास्ट टेंस में बात की है तो रेन्ड आएगा, RAINED, रेन्ड हैवीली एंड माई हाउस वॉज फ्लडेड विद वाटर। नेक्स्ट डायलॉग नरेशन है, जिसमें फादर और रशीद के डायलॉग्स हैं और आपको आंसर क्या है? फादर आस्क्स रशीद हाउ ही वाज गेटिंग ऑन विद हिज स्टडीज, रशीद रिप्लाइड दैट। अब यहाँ पे आई हैव है तो उसकी जगह पे आ जाएगा ही हैड। आगे सारा सेंटेंस सेम आएगा, ही हैड गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द स्कूल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर। आपको एरर आइडेंटिफाई करके उसका करेक्शन बताना है। तो क्वेश्चन सेंटेंस है प्लेइंग आउटडोर गेम्स हैव बेनिफिट्स ओवर बीइंग इंडोर्स। यहाँ पे आउटडोर गेम्स है, यहाँ इंडोर्स लिखा है, होगा इंडोर। तो इस तरह से आपको उसका आंसर बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट ग्रामर के क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 रमन शेयर्ड सम इन्फॉर्मेशन विद सीमा, रिपोर्ट सीमास क्वेश्चन कैन यू सॉल्व द सम। तो इसका आंसर होगा सीमा आस्क्स रमन इफ ही कुड सॉल्व द सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वी डैश नॉट रियली चेंज अ मैन्स माइंड एंड हार्ट विद मनी। तो इस पर मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर कुड भी राइट है, इसका आंसर मुझे कैन भी राइट लग रहा है, लेकिन कुड मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर कैन होगा या कुड में। माइट तो नहीं होगा, कैन या कुड में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स डैश डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। तो इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश हैव पास। तो इसका आंसर होगा यू वुड हैव पास्ड। इसका आंसर वुड होगा, में नहीं होगा, ठीक है, यू वुड हैव पास्ड। तो ये 12 क्वेश्चंस ग्रामर में क्लास 10th के स्टूडेंट्स को आते हैं, जिसमें डू एनी 10, आपको एनी 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो बहुत ईजी ग्रामर आई है, तो आई होप आपके आंसर सभी राइट होंगे। तो अगर राइट है तो आपके 10/10 मार्क्स पक्का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।